अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल खालिक भट्ट मुल्तान से एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा, हमारे कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, कुछ दोस्त पूछते भी हैं, कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि अगर मुर्गी कुड़क हो जाए तो उसको कैसे बिठाना है। ये देखें, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये आज शाम को ना मेरी मुर्गी कुड़क हो गई थी, तो ये देखें मैंने उसको मुर्गे से अलग कर लिया। सबसे पहले बढ़ के बात ये कि आपने उसको मुर्गे से अलग करना है। हो सकता है मुर्गा आपका तंग करे, कुछ मुर्गे नहीं भी तंग करते, लेकिन बाज़ औक़ात मुर्गे तंग करते हैं, मुर्गी को बैठने नहीं देते या क्रॉस वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से मुर्गी दोबारा अंडों पे आ जाती है। तो ये देखें मैंने इसको सबसे पहले तो मुर्गे से अलग कर दिया। ये इसका पानी का बर्तन, दाने का बर्तन। अब आप ये देखें, ये मुर्गी मैंने कुड़क पर बिठाई है। ये देखें इसके नीचे मैंने कुछ इसके अंडे, कुछ गोल्डन बेंटम फैंसी मुर्गियों के आस्तीनों के अंडे रखे। ये देखें, इसको बिठाने का सही तरीका ये है कि आप मुर्गे से अलग कर लें, कोई अलहदा केज ले लें, उसमें आप तूड़ी डाल दें, गत्ते का डब्बा ले लें। लोग इसमें आम की पेटी भी ले लेते हैं, आप आम की पेटी में बिठा लें अपनी मुर्गी के साइज़ के मुताबिक। आपके पास जिस नस्ल की मुर्गी है आप उसके हिसाब से एक जगह ले लें। और इसको ये देखें मैंने थोड़ी सी तूड़ी इसके नीचे डाल दी थी और उसके बाद उसमें अंडे रख दिए थे और उसके बाद इसको बिठा दिया था। ये देखें, ये आज शाम को बिठाया है। आज इसका पहला दिन है, इसको परेशान हम ज़्यादा नहीं करेंगे। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप दोस्तों को दिखा दिया जाए कि कैसे मुर्गी को अंडों पर बिठाया जाता है। ये देखें मैंने पहले गत्ते की पेटी रखी है, उसके बाद मैंने प्लास्टिक की बोरी बिछाई है, उसके बाद मैंने तूड़ी डाल के अंडे रख दिए हैं। और अंडे ज़्यादा लोग, उनका सवाल ये आता है कि अंडे ख़राब हो जाते हैं। भाई आप लोग अंडे 12-13 इससे ज़्यादा ना रखो। लोग 15-15, 20-20, 30-30 अंडे मैंने सुना लोग रख देते हैं और कहते हैं कि हमारी मुर्गी अंडे ख़राब कर गई। एक तो बदलता हुआ मौसम है, दूसरा मुर्गी के नीचे अंडे आप बेशक बाद में बच्चे ज़्यादा छोड़ दें, लेकिन मुर्गी के नीचे अंडे आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 रखें। उसमें से भी पॉसिबिलिटी होती है कि 2-3 अंडे ख़राब हो जाते हैं। कभी भी मुर्गी पूरे अंडों में से पूरे बच्चे नहीं निकालती। चलें जी, आज इसका पहला दिन है तो हम इसको ज़्यादा नहीं तंग करेंगे और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियो बना के मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा।